इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी जेएलओ एग्जाम को लेकर। आरपीएससी ने अभी अभी एक नोटिस जारी किया है जिसमें प्रवेश पत्र के बारे में क्या कहा है उसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान एग्जाम से जुड़ी अपडेट दी जाती है। तो अब क्या कहा है जेएलओ एग्जाम को लेकर प्रेस नोट देखते हैं। लिखा हुआ, आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2023 का आयोजन 4 नवंबर और 5 नवंबर को प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से लेकर सायं 5:30 बजे तक किया जा रहा है। तो उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर दिनांक 1 नवंबर 2023 को अपलोड किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन 28 अक्टूबर को अपलोड की जाएगी और प्रवेश पत्र आपके 1 नवंबर को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। रात को 12 बजे मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि आप अपने प्रवेश पत्र बिना एप्लीकेशन नंबर और DOB के भी चेक कर सकते हो। वो कैसे करोगे उसके बारे में जानकारी दूंगा। आगे लिखा हुआ, अतः अभ्यर्थी यथाशीघ्र समयांतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवे, यानी कि आपके प्रवेश पत्र है वो 1 नवंबर को जारी होंगे। इसके बाद लिखा हुआ है, परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि आपका जो टाइम है एग्जाम का 9 बजे का टाइम है, तो इसका मतलब 8 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और दोपहर को जो 2:30 बजे एग्जाम है उसमें 1:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, 60 मिनट पूर्व तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाए ताकि सुरक्षा जाँच और पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।